बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो यार, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा। तो यार, आज का व्लॉग कुछ इस तरह है कि आज तकरीबन 13 मुहर्रमुल हराम है और 10 मुहर्रमुल हराम को आपको पता था कि लंगर वगैरह जो है वो पकाना था, लेकिन जो हमारे इधर कुक भाई हैं था तो इसीलिए आज वो फ्री हैं, तो आज पकाने लगे हैं। तो मैंने कहा आपके साथ भी ये व्लॉग शेयर किया जाए, तो आपको साथ लेकर चलते हैं। तो चलिए, प्याज कितना है जी? ये भाजी प्याज है 2 किलो, 2 किलो प्याज, 1 किलो तेल है, 2 किलो प्याज है जी, 1 किलो आयल है। किन्नी देर का तजर्बा? 10 साल हो गए। प्याज प्याज ब्राउन कर लेना, हाफ ब्राउन करके बाद मसाला पाना, समझ गए? चास मीठे चावलों के लिए तैयार हो रही है। चास को तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं, चास बिल्कुल तैयार है, अभी चावल इसमें डालने लगे हैं। चावल बिल्कुल तैयार हो गए हैं, अभी वो नीचे उतारने लगे हैं, दम लगाने लगे हैं। इसको भी ये तकरीबन ये भी तैयार हो चुका है,
अभी इसको दम लगाने लगे हैं। 10 मिनट तक 15 मिनट दम लगाना है कि 10 मिनट 10 से 15 मिनट दम लगाएंगे। ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬਸ लगाए हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। कोरमे को भी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है। हाँ दम लगाए हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अभी ज़रदा तैयार हो गया, अभी जो ज़रदा चावल है वो तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से। हेलो अभी क्या करें। तो जी हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। हाँ ज़रूर पसंद आया होगा। तो यार अगर पसंद आया हो तो लाइक तो लाजमी बनता है। तो इसी के साथ अब्दुल्ला भाई को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।